वीडियो पर मैं हूं चंद्रकांत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जय प्रकाश। आज चलिए लेजर अलाइनमेंट करते हैं एक पंप विथ मोटर का साथ, पंप और मोटर। हम लोग लेजर अलाइनमेंट करने से पहले लेजर को बढ़िया से चेन जो है चेन को बढ़िया से लॉक करना है, और जो लाइटिंग रेड कलर का लाइटिंग देख रहा है लाइटिंग का लेबलिंग परफेक्ट होना चाहिए। वो जो डिस्प्ले है डिस्प्ले में आप लोग देख लेंगे, जो लेजर अलाइनमेंट जानते हैं वो लोग तो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं आप लोग सीखने के लिए आप लोग को ये एक रास्ता है। अगर आप लोग प्लांट में जॉब करते हैं तो आप लोग सीख ही जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा चीज़ आप लोग का समझ में आ रहा होगा, जो लोग तो लेजर अलाइनमेंट किए नहीं हैं देखे नहीं हैं वो लोग का समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। अगर दोबारा आप लोग को कहाँ चांस मिलेगा तो आप लोग जल्दी ही सीख जाएंगे। अभी दोस्तों ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं लेजर अलाइनमेंट है, अभी साइट एडजस्टिंग हो रहा है। लेजर अलाइनमेंट करने से पहले आप मोटर का बेस हो गया, पंप का बेस हो गया, नीट एंड क्लीन बढ़िया से करिए। जैसा मोटर का नीचे कोई स्पैटर नहीं रहना चाहिए, कोई कचरा नहीं रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन करने का बाद आप उसके बाद मोटर बैठाइए। मोटर बैठाने का बाद मोटर का सॉफ्ट फुट वो जो बेस में बैठा सही से बैठा कि नहीं बैठा, मोटर हिल रहा है क्या, अगर हिल रहा है फिलर गेज दीजिए, अगर फिलर गेज का गैप का हिसाब से सीम दीजिए और सॉफ्ट फुट चेक करिए, डायल गेज कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा के चेक करिए कितना दब रहा है, वही हिसाब से सीम दीजिए, उसके बाद अलाइनमेंट करिए। लेजर अलाइनमेंट करने से पहले आप लोग लेजर का लाइट, ये जो रेड कलर का लाइट देख रहे हैं ये दो लेबलिंग होता है, एक होता है डिग्री, डिग्री का सेटअप 00 होना चाहिए, और एक सेटअप रहता है हम लोग का लेबल, रेड लाइट का जो लेबल, एक स्टेशनरी पार्ट होता है एक मूवेबल पार्ट होता है। दोनों जगह में दोनों पोजीशन में दोनों को लगा देना है, लगाने के बाद लेबलिंग होने के बाद उसको 90 डिग्री 180 डिग्री दोनों डिग्री में आप लोग चेक करना है। चेक करने के बाद कितना का सिम लगेगा आप लोग, मैं जानता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पूरा डिटेल्स में नहीं हो पाया क्योंकि टाइम तो इतना नहीं मिला, फिर भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ जो लेजर अलाइनमेंट के बारे में डिटेल्स आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिखाएगा आप लोग का समझ में 100% आएगा। अभी लेजर अलाइनमेंट में रीडिंग जो कुछ है डिस्प्ले में बता देगा। लेजर अलाइनमेंट में पहले मेन चीज़ है सेटिंग, सेटिंग जिसको जानकारी हो गया वो लेजर अलाइनमेंट कर लेगा, बड़ा बात कुछ नहीं है दोस्तों। और इसका साइट एडजस्ट होने के बाद टॉप बॉटम एक बार रीडिंग दिलाया जाएगा, उसके बाद कितना का सिम लगेगा सिम वही हिसाब से डाल दिया जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, देखिए मैं अभी ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, ग्राइंडिंग क्यों किया, अभी जो मास्टर हम लोग का है मास्टर अभी पूरा पाइपलाइन कनेक्टेड हुआ है, उसको खोलने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मोटर का बेस का नीचे में हम लोग का कुछ सिम नहीं था, इसलिए ग्राइंडिंग करके उसको माइनस करना पड़ा। करने के बाद हम लोग का मोटा मोटी लेजर अलाइनमेंट में रीडिंग आ गया, जो हम लोग का काम 02 में हम लोग रीडिंग उसको हम लोग दे दिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का साथ एक अच्छा वीडियो शेयर करने के लिए जो लेजर का बारे में, लेजर में बैठ के मैं आप लोग को डिटेल सेटिंग टाइम में एक वीडियो बना के आप लोग को देगा। चलिए दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ये देख रहे जो डिस्प्ले ये देखिए ये है रीडिंग 340 170 190 315 ये एक सेटिंग होता है, ये सेटिंग आप लोग को करना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा वीडियो लेके आप लोग को मैं उसको दिखाएगा। चलिए जय जगन्नाथ।